Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. ये क्या है? कॉलोनी का एरिया इतना कम कर दिया? मिस्टर शर्मा, मजदूरों के लिए कॉलोनी बना के हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे कारोबार की जड़ जड़ में उन्हीं का बहाया हुआ पसीना आपको मिलेगा। वो तो ठीक है मिस्टर सहाय, मगर मजदूरों को रहने की इतनी बड़ी जगह, तो मजदूर इंसान नहीं है क्या? इस प्रोजेक्ट के लिए जितना एरिया हमने डिसाइड किया है बिल्कुल उतना ही रहेगा मिस्टर शर्मा। आप खुद सोचिए कि एक छोटे छोटे तंग कमरे में 5 लोगों के परिवार रह सकेंगे। मगर आपके पार्टनर मिस्टर सूद और मिस्टर राणा का कहना है कि उनके मशवरों को आप अपने तक महदूद रखें, समझे? ओके सर। सर आपका फोन। हेलो सहाय। ओह हेलो वैलरी। यस मीटिंग? नो वैलरी इम्पॉसिबल, आज तो हम आपकी मीटिंग पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि आज हमें किसी और से मिलना है, एक बहुत खास अपॉइंटमेंट है, और अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो हमारा यकीनन कोर्ट मार्शल हो जाएगा। नाम नाम आपको नहीं बताएंगे हम। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-900 लंदन से आप मेम साहब मैं अरे बाबूराम तुम अकेले? डैडी नहीं आए? जी वो साहब को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा इसलिए नहीं आए। अच्छा, मुझे रिसीव करने से ज्यादा जरूरी काम निकल आया उनका। पूरे 2 सालों बाद आई हूँ मैं, और तुम्हें भी आने की क्या जरूरत थी? क्या इन 2 सालों में इस शहर की सड़कें भूल गई हूँ मैं? अपने घर का पता भूल गई हूँ? कोई नहीं, इट्स कूल, मैं एयरपोर्ट से अकेले घर पहुंच सकती हूँ, तुम जाओ। यूहू! सोचा कैसे कि हम नहीं आएंगे? सुबह से यही रट लगा रखी है कि एयरपोर्ट जाना। तुझे देखने के लिए दिल जो बेकरार था। Come on, Dad, झूठ बोलने से बाज आ जाइए। दरअसल आपको फुर्सत नहीं होती। Just look at you, आपको अपनी सेहत तक का ख्याल नहीं। हमारी सेहत तो आपके डॉक्टर अंकल से कहीं अच्छी है। Oh, Dad, be serious। ये बीमारी कोई मामूली तो नहीं, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हाँ मगर वर्षा बेटी, अब मैं काफी ठीक ठाक हूँ। पिछले 4 महीने में मुझे सिर्फ 1 अटैक हुआ है, ओनली 1। यू आर राइट, आई गेट इट डैड। हेलो हेलो, अरे वर्षा तुम कब आई? आज सवेरे आई हूँ मिस्टर सेठी। अच्छा वर्षा, मैंने इसलिए फोन किया था कि हमने कल सुबह एक जरूरी मीटिंग रखी है। नो वे, नो वर्क, कल सारा दिन डैडी मेरे साथ है।
हैव अ हार्ट सिटी साहब, हम दो सालों बाद मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो कल शाम को रख लेते हैं। हाँ शाम को, ही इज ऑल योर्स। ओके थैंक्स। ओके बाय। लो अब ये नई लपेटो। अरे ये सहाय का बच्चा तो पहले से ही सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, ऊपर से वर्षा उसे भी अभी बरसना था, लपेटो। सहाय को तो अपने तरीके से हम इस प्रपोजल के लिए मना सकते थे, मगर वर्षा के आ जाने से। अब तुम्हें क्या हो गया राणा, कुछ बोलोगे? राणा जब कोई खेल खेलता है तो मैदान में उतरने से पहले ही उसकी जीत का फैसला हो चुका होता है। देखता हूं यह सहाय अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए क्या कीमत चुकाता है। हमारा यह प्रपोजल सहाय को मानना ही होगा। लो लपेटो। अरे भैया तुम्हारा यह प्रपोजल कहीं हमारी जिंदगी के रास्ते को जेल के मुख्य द्वार से ना जोड़ दे। हाँ तब वहीं बैठ कर लपेटे। मिस्टर सूद, आप कुछ ज्यादा ही घबरा जाते हैं। दौलत की जिस रोशनी को हम कैद करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ईमानदार जिंदगियों को अंधेरे की गिरफ्त में झोंकना होगा। आप लोग क्या कह रहे हैं, या तो मेरी समझ में कुछ फेर है या फिर आप लोग मुझे। मिस्टर साहब, आप जो समझ रहे हैं हम वही कह रहे हैं। आज हमारे मुकाबले में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट खड़े हो गए हैं। अगर हम अपने इस टॉनिक में थोड़ी सी परसेंट अफीम या गर्द मिला दें तो हिंदुस्तान के तमाम बच्चों को इसकी लत लग जाएगी। मतलब ये बच्चे इस टॉनिक के गुलाम हो जाएंगे। उसके बाद इस टॉनिक के बगैर ना कोई बच्चा सो सकेगा ना कोई बच्चा खा सकेगा। बस यही एक छोटी सी बात हम तीनों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतर इसी में है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। तुम्हारा मतलब है कि हम दवा में जहर मिलाएं? पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगी से हम खिलवाड़ करें? ऐसा बेहूदा प्रपोजल रखने की आप लोगों को जरूरत कैसे हुई? आखिर इंसानियत के भी तो कुछ तकाजे होते हैं। लो लपेटो। मिस्टर सहाय, तुम्हारी ये इंसानियत के ढिंढोरे से हम बहुत बोर हो चुके। कितना लपेटोगे हैं? अगर कुछ दिन और तुम्हारे कंधों के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे ना तो लंगोटियां लग जाएगी हम सबको। हाँ कुछ भी हो, मैं तुम लोगों को ऐसा घिनौना काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। ये मत भूलिए मिस्टर सहाय कि हम आपके बराबर के पार्टनर्स हैं और हमने आपसे राय मांगी है, इजाजत नहीं। अच्छा तुम भी? भाई वाह, खूब सिरा दे रहे हो तुम मेरे एहसानों का। तुम्हें अपने बराबर बैठने के लायक मैंने बनाया। 1700 रुपए माहवार की गुलामी करते थे तुम शर्मा की, मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी। इसलिए मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसका आपको पता न चले, तभी तो हम ये प्रपोजल आपके सामने। तो तुम मुझे मौत के कारोबार की सलाह दे रहे हो? एक प्रपोजल मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग तेली गली में कसाई की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? आप लोग कहें तो म्यूनिसिपल कमिश्नर से मैं बात करूँ जगह के लिए। बहुत हो गया आपका भाषण। हमने इस प्रपोजल के लिए आपके ना करने के बाद का अंजाम भी सोच रखा है। आप लोग बिला वजह वक्त खराब कर रहे हैं। आप समझते हैं कि मैं आपकी बात मानकर आपके साथ पाप में भागीदार हो जाऊं? गलत फहमी है आप लोगों को, और इस मामले में आप मुझे कमजोर ना समझिएगा। अगर मैं आपकी कुंडली के ग्रहों को बदल सकता हूं तो उन्हें पलट भी सकता हूं।
क्या हुआ साहब, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? मनसाराम, बार दफा अपने मुंह पे थप्पड़ मारने को जी जाता है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इन तीनों को अपने साथ जोड़ लिया। अब बताओ ना, दवाओं के साथ जहर मिलाने की सलाह दे रहे हैं। पैसों के लिए इंसान कितना गिर जाता है। खैर, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने ये बात मेरे कान में डाल दी। हेलो मनसाराम, मैं वर्षा बोल रही हूँ। क्या हो रहा वहां फैक्ट्री में? इतनी देर हो गई, अभी तक डैडी घर नहीं लौटे। हाँ साहब जी, तो कभी के निकल गए हैं मैडम। कितनी देर हुई? काफी टाइम हो गया है। काफी टाइम हो गया। कहाँ गए होंगे? तुम लोग यहां क्या चाहिए तुम्हें? हेलो राणा साहब, तीन बज चुके हैं रात के और डैडी का तो पता नहीं है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं? वर्षा तुम फिक्र मत करो, हम लोग अभी तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। जी जी, जल्दी आइएगा। आई सी, हाँ, ओके, थैंक यू। चौकी तीन और चार की एफआईआर दो। यस सर। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आपको कहां से क्या रिपोर्ट मिल रही है, जरा हमें भी तो पता चले। जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आप सबको बता दूंगा। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है। कोशिश मत बोलिए इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ कर रहे हैं, कम से कम इतनी तसल्ली तो दीजिए मुझे। मेरा तो कलेजा भूख आ रहा है। वो देखिए बेचारी की क्या हालत हो रही है। वो मुझे अपना अपना कंधा कहा करते थे, कंधा। हाँ शर्मा। हाँ गुप्ते, बोलो। हाँ यस, कहाँ? गोरे बीच के पास। आपको मेरे साथ चलना होगा, एक लाश की शिनाख्त करनी है। जी मिस वर्षा, मैंने इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट देखी है। इनको दो बार पहले भी दिल के दौरे पड़ चुके हैं। अब ऐसी हालत में ये कल रात गाड़ी खुद चलाकर निकले थे। मिस्टर साय की बीमारी ने ही इनकी जान ली।
क्यों डॉक्टर? जी हाँ, हो सकता है। आई एम सॉरी मिस वर्षा, प्लीज एक्सक्यूज अस। आइए। मेरे पास से इतनी दूर चली गई थी। आई लव यू डैड। आई लव यू टू बेबी। तरक्की की होड़ में इंसान इंसान होना क्यों भूलता जा रहा है? पता नहीं किस परेशानी ने नींद उजाड़ कर दी है मेरी। बेटी होती यहां तो उससे झगड़ लेता और थक के सो जाता। बहुत याद आ रही है। चल जाए यार। खटारा कहीं का बेचता दोस्त। गाड़ी ठोक दी थी। गाड़ी? मेरी गाड़ी? हाँ, ये ही तो है वो गाड़ी। देखो देखो। Right, right, right. This is the very same romantic car. और फिर तुम मुझसे लड़ पड़े थे। मैंने तुम्हें कुछ पैसे देने चाहे थे, मगर तुमने लेने से इनकार कर दिया था। क्यों राजकुमार साहब? याद आया कुछ? राजकुमार? जी, मेरा नाम राजा है। Of course I know that. तुमने खुद ही उस दिन अपना नाम बताया था, राजा। लेकिन राजकुमार तुम पर ज्यादा फिट बैठता है। प्रिंस चार्मिंग, यू नो। ये स्कूटर किसका है? कौन खड़ा किया इधर नो पार्किंग में? वही नहीं? ले चलो, चलो उठा इसको। अरे वो देखिए, वो तो मेरा। आप ये क्या बोल रहे हैं आप? ये वो अरे, आप ले गए। हाँ वो स्कूटर ना, नो पार्किंग में खड़ा था। इतना बड़ा बोर्ड लगा है, फिर भी कुछ पढ़े लिखे लोग भी ना दिमाग से पैदल होते हैं। हम भी काम उलझ गए। चलो हमारी दूसरी मुलाकात की खुशी में एक शानदार होटल में लंच हो जाए। लंच? Come on, get it. अरे मेरे साहब, लेकिन अरे मेरी बात तो सुनिए, ये मेरी गाड़ी नहीं। अरे क्या कर क्या रही हैं आप? कमाल है, लड़की मैं हूँ, शर्माना मुझे चाहिए और शर्मा तुम रहे हो। ये ऐसे ना। God save the country. Traffic light. शोला भर के
तुझे दिल धड़के सुलगे बदन कोई शोला भड़के बड़ी बेकरारी है करार दे सब कुछ ले ले जरा प्यार दे मेरे दिल पर जिद ना कर दर्द सताए अब रह रह के रह रह के रह रह के जब जब देखो तुझे दिल धड़के सुन के बदल कोई शोला भड़के
क्या हुआ? दरअसल मैं अपने जेब में पैसे रखना भूल गया। कमाल है, कैसे राजकुमार है आप? खैर, होता है होता है। बाय द वे, व्हाट अबाउट माय तोहफा? तोहफा? कौन सा तोहफा? वही, हमारी दूसरी मुलाकात का। तो क्या चाहिए आपको? कुछ भी जिसमें तुम्हारी यादें छुपी हो। ये गाड़ी कैसी लगती है आपको? अच्छी है। तो ले लीजिए। क्या? ले लीजिए, गाड़ी आपकी है, ले लीजिए। You don't mean that. No, I mean that. ले लीजिए। Really? हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। No problem, no tension. कर दे ये बेबी। अरे मधु, तू और ये गाड़ी किसकी है? अरे मामा, पहले ही मुलाकात में जैकपॉट लग गया। गाड़ी उसने गिफ्ट में दी, कैसी रही? अरे तो फ्लैट बंगला कैश तो मिला ही होगा ना। 30 पैसे दे दे, स्टोव की पिन लानी है। धत मामा, तुम तो वहीं रहोगे। फेंक दो ये स्टोव, ये पिन। अब तो हमें इस घटिया जिंदगी से बाहर आना है। स्टोव को मैं फेंक नहीं सकता बेटी, क्योंकि पड़ोसियों का है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मुर्गा कैसा है? बहुत अमीर, बिल्कुल राजकुमारों जैसा। अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारा ये राजकुमार कहीं पटियाले घराने का तो नहीं है? पटियाला? क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं तुम्हारा ये राजकुमार पगड़ी वाला, दाढ़ी वाला, मूछो वाला सरदारजी तो नहीं है? नो वे, नो दाढ़ी, नो मूछ। वो तो हैंडसम प्रिंस जामे है। अच्छा, तो ये देख, ये तो सरदारजी की फोटो है। तो ये गाड़ी भी सरदारजी की है। ये गाड़ी चोरी की है? हाँ, और इसे चुराया तेरे प्रिंस चार्मिंग ने। कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? छोड़ यार। क्या बात है शंकर? मैडम ये कोई तरीका नहीं है पैट्रिक के एक वफादार नौकर को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने का। 20 साल की वफादारी का ये मुआवजा दे दिया मेरे पिताजी को। कौन है आप? आप किसकी बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम राजा, चंद्र प्रकाश जी का बेटा। पिछले 20 साल से मेरे पिताजी इसी फैक्ट्री में केमिस्ट का काम करते थे। ओह शंकर जाओ। उन्हें बिना किसी वजह के यहाँ से निकाल दिया गया और उनके जमा किए हुए फंड से उन्हें एक पैसा तक नहीं मिला। बैठो। मगर चंद्र प्रकाश जी को फैक्ट्री से निकाल देने की कोई वजह तो होगी? वो आप अपने फैक्ट्री के डायरेक्टर्स मिस्टर राणा, मिस्टर सेठी और मिस्टर सूद से पूछे। देखिए मैम साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पिछले 6 महीनों से मेरे पिताजी कोशिश कर रहे हैं और अब थक कर घर बैठे। आप मेहरबानी करके उनके पैसे दिलवा दीजिएगा बस। बट ऑफ कोर्स, चंद्र प्रकाश जी को उनके हक के पैसे जरूर मिलेंगे। वैसे भी मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहूंगी। उन्हें फैक्ट्री से क्यों निकाला गया है ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने इस कंपनी की बुनियाद रखी हुई देखी वर्षा जी, और फिर उसकी तरक्की के लिए सहाय साहब की जी तोड़ मेहनत भी देखी है। मगर राणा, सूद और सेठी के मिल जाने के बाद इस कंपनी में धांधली मच गई। ये मुझे से कई वफादार लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमने बड़े साहब को एक दो बार आगाह भी किया, मगर वो तो उनके भोलेपन का इन तीनों ने बहुत नाजायज फायदा उठाया। मैं समझ रही हूँ चंद्र प्रकाश जी, सब समझ रही हूँ। मुझे इन लोगों पर शक तो शुरू से ही था, मगर ये लोग मकारे की इस हद को छू लेंगे ये मुझे पता नहीं था। खैर राजा, तुम ऐसा करो, अपने बाबूजी के सारे पेपर्स लेकर के घर आ जाना, और हाँ, अपने सर्टिफिकेट्स और डिग्री भी साथ लाना। ओके जी।
कीजिएगा मिस्टर राणा, मैं आपकी कुर्सी पर बैठ गई। आपसे हमारे बीच रिश्तों की जबान में बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए आपकी पार्टनर मिस वर्षा सहाय हूँ। बस हाँ, क्यों नहीं, ये कुर्सी भी तो तुम्हारी ही है, मगर अभी अभी तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्यों नहीं तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती, थोड़ा सा बदलाव मिलेगा तुम्हें। नहीं मिस्टर राणा, सबसे पहले बदलाव तो मुझे यहां लाना है, इस फैक्ट्री में। मैं समझा नहीं। फैक्ट्री पिछले 7 सालों से नुकसान में चल रही है, 15 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है। दिखाया नहीं गया है मिस सहाय, इस कंपनी को नुकसान हुआ है, और आपके पिताजी के साथ साथ इस नुकसान की भरपाई हम तीनों ने भी की है। आप तीनों ने मिलकर और क्या क्या किए हैं, ये सब कुछ मैं जानकर रहूंगी मिस्टर राणा। एक बात और मिस्टर सूद, हाँ? आपने जो मार्केट में 20 लाख का माल दिया है वो ओवरडेट हो चुका है, उससे लोगों की सेहत पर बुरा असर हो सकता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, आप फॉरेन डीलर्स को बोलकर उसकी मार्केटिंग रुकवा दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम, इससे तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। आप रुपयों का नुकसान ही उठा सकते हैं, मगर किसी की जिंदगी से खेल सकते हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं वर्षा, ये काम आज के आज हो जाना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं पूछती हूँ कितना कमीशन मिलता है आपको मिस्टर सेठी से? एक्सक्यूज मी मिस वर्षा, क्या कह रही हैं आप? अगर आपको किसी तरह की गलतफहमी है तो। गलतफहमी नहीं है मिस्टर सेठी, सब कुछ साफ साफ है, पूरे 25 लाख का नुकसान किया है आप लोगों ने, और अभी तो मैंने सिर्फ 1 महीने का हिसाब किया है। देखिए मिस वर्षा, बेहतर है कि हम कहीं बैठकर बात करें, इन छोटे लोगों के बीच। अच्छा, ये छोटे लोग हैं और आप बहुत बड़े हैं मिस्टर सेठी, मैं भी देखती हूँ कि आपकी ऊंचाई कहां तक है। पॉइंट नंबर 1 सेल्स अकाउंट, पॉइंट नंबर 2 मार्केटिंग अकाउंट, पॉइंट नंबर 3 एजेंट्स अकाउंट, एंड पॉइंट नंबर 4 टोटल फैक्ट्री अकाउंट। देखिए, आप खुद ही देखिए इस बस्ती की हालत कितनी खराब है, लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, फैक्ट्री वालों ने कोई मुआवजा नहीं दिया, इन लोगों की हालत देखी नहीं जाती, इस इंसान के हाथ की हालत देखिए, आप ही कुछ कीजिए ना इन लोगों के लिए प्लीज। कैसे हुई ये सब, कहाँ जाए हम, किसको बोले, कौन है हमारा आपके सिवाय, फैक्ट्री वालों ने एक ढेला तक नहीं दिया, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरे बेटे का हाथ कट गया, कुछ कीजिए मैम साहब। देखिए आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अकाउंट्स में गड़बड़, मार्केटिंग में खोट, स्टॉक्स में हेरा फेरी, इसका कोई जवाब है आप लोगों के पास? मिस वर्षा, अगर मिस्टर सहाय होते तो हम जवाब देते, लेकिन आप लोगों ने मेरे डैडी की शराफत का फायदा उठाया है, उन्होंने आपको बराबर का हक दिया था, क्योंकि उम्र की वजह से वो काम का इतना बोझ नहीं उठा सकते थे, और आप लोगों ने उनके विश्वास का खून किया, हजारों फैक्ट्री के वर्कर्स को गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया, मैंने उनके घरों में अंधेरा देखा है, भूख देखी है। मिस वर्षा, जितना हो सकता था उतना उन लोगों के लिए हम करते आए हैं,
उनकी मेहनत से ज्यादा हमने उन्हें दिया है। हाँ बिल्कुल, उन लोगों को भी तो चादर के हिसाब से अपने प्यार फिराने चाहिए ना। और इस तरह मिलते ही 3 दिन में लपेट डालते हैं ससुरे। ये शराब जुआ न जाने क्या क्या इन्हीं बुरी लतों की वजह से हमने कई लोगों को निकाल भी दिया। गलत, आप लोगों ने निकाला उन्हें है जिन्होंने बेईमानी के खेल में आपका साथ नहीं दिया। ओहो, आप भी उन कमार और जाहिल लोगों की बातों में आ गए। अगर हम उन्हें नहीं निकालते तो वो हमें और हमारी इस फैक्ट्री को भी लपेट डालते। हाँ, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। वर्षा, अपने हद में रहो। अब तक हमने तुम्हें बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि तुम मिस्टर साहेब की बेटी हो। मैं मिस्टर साहेब की बेटी जरूर हूँ, मगर मिस्टर साहेब जैसी नहीं हूँ। मैं सच और झूठ का फर्क समझती हूँ। ये तो खामखा हम जैसे शरीफ आदमी को लपेटने वाली बात हो गई ना। और ये मत भूलिएगा कि मिस्टर सहाय ने बुरे दिनों में हमें जोड़ा था, उसके बाद दिन रात मेहनत करके। आप लोगों की मेहनत और ईमानदारी का कच्चा चिट्टा यहाँ है, इन फाइलों में। मेरे डैडी को ज्वाइन करते ही सबसे पहले अपने जमा पूंजी को तोड़ा, कैपिटल खत्म कर दिया और इस फैक्ट्री को लगातार नुकसान में दिखाया। और इस काम में अपने डीलर से लेकर मार्केटिंग ऑफिसर तक को जोड़ लिया। मिस्टर सेठी, मेरे डैडी ने अपने बुरे दिनों में आप लोगों को नहीं जोड़ा था, बल्कि आप लोगों के जुड़ते ही मेरे डैडी के बुरे दिन शुरू हो गए। एक बुजुर्ग आदमी को सहारा देने के बजाय आपने उसे ही अपाहिज बना दिया। जेंटलमैन, अब मैं आप लोगों का और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैंने जिन फाइल्स और पेपर्स के लिए आप लोगों को कहा था वो मुझे मिल जानी चाहिए। अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ क्लैरिफाई नहीं किया तो आप लोग अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि मिस्टर साहेब के तीनों पार्टनर्स को जालसाजी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये मेरे डैडी की इज्जत का सवाल है। गुड डे जेंटलमैन। राजकुमार, और वो भी बस स्टॉप पर। वाह क्या बात है। तू फिर आ गई? हाँ मैं। वैसे तुमने मुझे जेल भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। मैंने क्या किया? अच्छा क्या किया? वो गाड़ी तुम्हें तुम्हारे बाप ने दी थी जो तुमने मुझसे कहा ले जाओ। नो प्रॉब्लम, आई मीन इट। एंड यू नो गाड़ी? हाँ ओ, वो गाड़ी। अरे आपने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो गाड़ी मेरी नहीं है, किसी और की है। ए, राग पट्टी नहीं बेटे, तू जितना भोला बनता है ना उतना है नहीं। ए, तमीज से। हाँ हाँ तमीज से ठीक है। मैंने एक से एक चोर लफंगे मवाली गुंडे देखे हैं। अरे मैंने तो क्या, आप लोगों ने भी देखे होंगे, क्यों नहीं है ना। लेकिन आप में से किसी ने ऐसा कोई फंटर देखा है जो लड़की पटाने के लिए चोरी की गाड़ी गिफ्ट में दे दी? इतनी बकवास करी जा रही है तू। मैंने तुम्हें पटाने की कोशिश कब की? तूने मुझे गाड़ी के सामने खड़ा क्या देख लिया? और तुझे गलत फहमी होगी कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मुझे फंटर कहती है? फंटरी? फंटरी किसको बोलता है? बिहेव योरसेल्फ। अरे जान दे तमीज, इतनी देर से मेरी इज्जत का जो तमाशा बना रखा था उसका क्या? अरे तुम तो मुझसे भी बड़े ड्रामेबाज निकले। देखिए मैडम, मैं एक मामूली क्लर्क का लड़का हूँ और बेरोजगार हूँ, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक कप कॉफी पिला सकता हूँ। समझ गए, ठीक है कॉफी ही पी लेते हैं। चलिए। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख रही हूँ सच्चाई की जीती जागती तस्वीर को जो मेरे मन की गहराइयों तक उतर गई है। राजा, तुमसे मिलकर आज मेरा ये भ्रम टूट गया है। आदमी के लिए दौलत ही सब कुछ नहीं होती, रिश्तों को प्यार और विश्वास के धागों से बुना जाता है। प्यार और विश्वास, यही तो जिंदगी है मधु। राजा We'll be right back.
बदल कर जा, बिजली चमकी बादल कर जा, बिजली चमकी होने लगी बरसा, बादल कर जा, बिजली चमकी होने लगी बरसा, करनी है जो हमको सहाय से दो कदम आगे निकली। ये अकाउंट्स की गड़बड़ हम कहां से ठीक कर पाएंगे? मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब इस इंसाफ की देवी को हमारे प्लान का पता चलेगा तब क्या होगा। अब तो ये हमें ऐसा लपेटेगी। सच्चाई तो उसे अपने बाप से विरासत में मिली है। सहाय ने तो अपनी जान देकर कीमत चुका दी। अब इस वर्षा का क्या होगा? जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वरना ये हमें पागल कर देगी। मिस्टर सूद, अभी आपने क्या कहा? पागल कर देगी, पागल। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? वर्षा की बीमारी मिस्टर सहाय से कुछ अलग है, इसलिए उसका इलाज भी कुछ
अलग होगा। और वो इलाज मैं समझ रहा हूं सिटी। आप लोग ये पहले क्यों बुझा रहे हो? साहब सब कहो ना। आपको भी पता चल जाएगा मिस्टर सूद, हम वर्षा की पहचान एक नई दुनिया से कराएंगे। ऊपर नीचे यार जल्दी से डॉक्टर को ढूंढो। लो वो आ गया डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर। हेलो महाराणा, ये मिस्टर सूद और मिस्टर सिंह। हेलो हेलो हेलो, आइए मेरे साथ अंदर आइए। कम इन, सिट डाउन। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आप में से पेशेंट कौन है? उसे हम अपने साथ नहीं लाए, वो क्या है कि दरअसल डॉक्टर पहले मरीज के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। सवाल जवाब नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलता। आप आइए उस कमरे में। अहमद शॉक ट्रीटमेंट तैयार करो। शॉक ट्रीटमेंट? लेकिन डॉक्टर मैं मरीज नहीं हूँ। लगते हैं, शक्ल से ही पागल लगते हैं। अरे आपको शॉक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। आप समझा ले जाओ। आप समझे नहीं डॉक्टर। देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, वो पागल है, उसका ट्रीटमेंट करना है मुझे, मिला के शॉक देना। ये चुप। अरे रोज रोज डॉक्टर के कपड़े पहन के पेशेंट ढूंढता है। टिकट तरी माखाली, 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 टिकट तरी माखाली। अरे अजीब जगह है भाई, यहाँ के तो डॉक्टर भी पागल है। अरे ये डॉक्टर नहीं, पागल था पागल। ओहो अच्छा हो ये लोग सही वक्त पर आ गए, वरना ये तो मुझे शॉक देने वाला था। ये डॉक्टर भाटी का बच्चा है कहाँ? लो एक और पागल डॉक्टर आ रहा है। अरे क्या भरोसा, ये भी पागल हो सकता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे नहीं नहीं, इसको तो नर्स ने गुड मॉर्निंग कहा है। हो सकता नर्स भी पागल हो। हेलो जेंटलमैन, आई एम डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर भाटिया, थैंक गॉड आपको ढूंढते ढूंढते हम तो परेशान हो गए। आइए प्लीज कम इन। आइए चलिए। आइए आइए। हाँ तो डॉक्टर, कुछ दिन पहले हमारे एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर साहे की एक हादसे में मौत हो गई। मिस्टर साहे की इकलौती बेटी है वर्षा, जो अमेरिका में रहती है। उन दिनों वो यहां छुट्टियों में आई हुई थी और यह हादसा हो गया। बेचारे अपने बाप से बहुत प्यार करती है, बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन दिनों अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। जैसे डॉक्टर, वो अचानक फैक्ट्री में आकर वर्कर्स को डांस करने के लिए कहती है, और उस रोज उसने एक बेचारे बूढ़े वर्कर को सर पर मार दिया। वो हमें देखते ही चीखती चिल्लाती है, कहती है कि हमने उसके साथ धोखा किया। धोखेबाज समझती वो, और मुझे तो वो पागल समझती है। फैक्ट्री में खुद तोड़फोड़ करती है और लपेटती मुझे, कहती है सूद साहब आपने ये क्या कर दिया, ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया। हाँ डॉक्टर, आजकल वो हम पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है। देखिए डॉक्टर, अकेले में तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सारे वर्करों के सामने, यू अंडरस्टैंड? यस आई अंडरस्टैंड। देखिए जब भी उन्हें दौरा पड़े आप मुझे खबर कर दीजिए, मैं तुरंत देखने आऊंगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं आपको खबर कर दूंगा। आप यहां कब तक होते हैं? अच्छा डॉक्टर, जब भी उसे दौरा पड़ेगा हम आपको खबर कर देंगे। जरूर। ड्राइवर कैसी गाड़ी चलाते हो तुम? ओह गॉड, आई एम सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आई एम टेरिबली सॉरी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटी, गलती मेरी ही थी। आप लोग जाइए, भाई लोग जाइए, जाइए अपना अपना काम कीजिए, जाइए। थैंक यू। संभल के संभल के। ये आपका पैर,
देश को दे दी। मैं मेजर था खुशवंत सिंह शर्मा, लेकिन आजकल तो लोग मुझे खुसू लंगड़ा कहकर बुलाते हैं। देश के लिए लड़ते हुए मैंने अपनी टांग गंवा दी। अरे संभालिए। मुझे पता है, दो दिन बाद बेहोशी की हालत में मैं जवानों को मिला था। मैं लापता हूँ और मुझे खोजा जा रहा है। ये खबर सुनकर मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई। मेरे पिताजी तो मेरे जन्म के पहले डाकू वकील सिंह के हाथों मारे गए, लेकिन मुझे देश ने क्या दिया? मामा जी, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना आपका एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटी, मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। यह है मेरी भांजी मधु, बस यही एक जिम्मेदारी मेरी इकलौती बहन छोड़ गई है मुझ पे, इसकी शादी। इसकी शादी हो जाए तो मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं। नहीं मामा जी, ऐसा मत कहिए। आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं मेजर सुखवंत सिंह, अपनी भांजी की शादी के लिए 25-50 हजार रुपए भी नहीं जुटा सकता। लानत है मुझ पे, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद। मेजर साहब, आप निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए आप। ड्राइवर, मेरा बैग लाना जरा। जी मैडम। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। आप? जी हाँ। आप इतनी बड़ी रकम देंगी, ना जान ना पहचान? तो क्या हुआ, क्या इंसानियत के नाते मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे दादी कहा करते थे कि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन सही इस्तेमाल वही करता है जो अक्लमंद हो। ये लीजिए। धन्य है आपके डैडी को, धन्य है आपको। ऑल द बेस्ट। हे भगवान। अच्छा, थैंक यू। ऐसे इंसान भी जिंदा है इस दुनिया में। ₹50,000। ये गाड़ी में रख दी। मैडम नमस्ते। मैडम। ओह नमस्ते, पेपर्स लाए हो? जी हाँ। ला। तुम्हारे बाबूजी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि उन्हें बेवजह फैक्ट्री से निकाला गया है। अगर वो चाहे तो उन्हें वापस फैक्ट्री में। मैडम, फिलहाल तो हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बहन की शादी है, आप मुझे बाबूजी के ट्रस्ट फंड वाले पैसे दिलवा दीजिए, बस। वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं जो तुम्हारे बाबूजी के बारे में कह रही थी। जी, वो बीमारी की वजह से वो काफी कमजोर हो चुके हैं, इसलिए इस हालत में उनके लिए काम करना जरा मुश्किल होगा। आई अंडरस्टैंड, मगर हम मिस्टर चंद्रप्रकाश जैसे वफादार वर्कर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अगर वो नहीं तो उनकी कुर्सी पर उनके बेटे राजा को बिठाना पड़ेगा। आप मुझे नौकरी देंगी? जी हाँ। तुम पहले जाकर हमारी फैक्ट्री के लॉयर मिस्टर सक्सेना से फंड की पेपर्स की बात कर लेना। जी, मैं उन पर साइन कर दूंगी। वैसे मैंने फोन पर उनको सब समझा दिया है। जी बहुत अच्छा। मैं पहले तुम्हें फंड के पैसे दिलवा दूं, तुम्हें अपनी बहन की शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेरी वेलकम। आपकी मशीन गन ठीक है? ठीक। ये मशीन गन नहीं है तो ये गन है। गन ठीक चल रही है? चल रही है। बैंक में सब कारोबार ठीक ठाक है ना? ठीक है। वो क्या है कि मैं पहली बार इस बैंक से लेन देन करने आया हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी प्लीज। नोट जरा देख कर दीजिएगा। 50,000 रुपए है ना, इसलिए। अरे मधु, सारी नोटे 100-100 की लेना है। वो बात क्या है कि इतनी सारी 100-100 की नोटे मैं जिंदगी में पहली बार देखूंगा। आप अपना काम कीजिए। भाई साहब, आप बता सकते हैं कि 50,000 के 100-100 के नोट इसमें आ जाएंगे? मेरा मतलब है कि 100-100 रुपए के 50,000 के नोट इसमें। आता हूँ, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी मैडम, आपको पेमेंट नहीं मिल सकता। क्यों? अरे ये चेक तो वर्षा सहाय का दिया हुआ है। वर्षा सहाय का दिया हुआ है? वो मिस्टर रमाकांत साहब की लड़की।
रमाकांत सहाय की लड़की है वो। आपका ये चेक कैंसिल हो चुका है, स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर हो चुका है हमें, प्लीज आई एम सॉरी। तो क्या आपके पास पैसे नहीं है क्या? है मामा, ये चेक कैंसिल हो चुका है। लेकिन कैंसिल कैसे है, क्यों क्यों कैंसिल हुआ? ये तो वर्षा जी से मिलकर ही पता चलेगा। वर्षा जी फ्रॉड, चीटिंग, चीटिंग करते हैं 420, वो भी हम जैसे ऑनेस्ट आदमी से। चलो वर्षा जी के पास, कम अरे ये क्या कर रहे हो नाना, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या हो रहा है शेटी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, मुझे पीट क्यों रहे हो? क्या किया मैंने? Oh my God! What's going on here? ये सब क्या हो रहा है? Why are you ruining this office? What's happening? Stop it! I said stop it! Mr. Sood, वर्षा जी को पागलपन का दौरा पड़ा है। सूद साहब आप समझ रहे हैं, वर्षा पागल हो गई है, समझा आप? वर्षा जी पागल हो गई है। क्या मैं पागल हो गई हूँ? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तो खेल ये है, वर्षा जी को पागल करार देना है। What? What rubbish? वर्षा जी पागल हो गई है। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ देंगे तो फिर दोबारा तोड़फोड़ करोगे तुम, चलो। मैं तोड़फोड़ करूंगी? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का? छोड़ दीजिए मुझे, कोई है? छोड़ दीजिए मुझे। वर्षा है तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर को बुलाओ। शांत हो जाओ वर्षा। अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आइए, आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर साहब बेचारी पागल हो गई है, ये ऑफिस की हालत देखिए, मेरे जबड़े की हालत देखिए, अगर ये दोनों नहीं आते तो मुझे तो लपेट दिया था। What nonsense? Shut up! ये सब झूठ बोल रहे डॉक्टर साहब, ये तोड़फोड़ मैंने नहीं की है, सूद साहब को मैंने नहीं मारा, ये सब इन लोगों की साजिश है डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बस करो बेटी बस, डॉक्टर साहब इसे, डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, ये इनकी साजिश है, आप मेरी बात तो सुनिए। ये सब क्या है? साहेब साहब की बेटी वर्षा पागल हो गई। मगर मामा कल ही तो ये चेक, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो गया। देखो तभी तो मैंने सोचा कि 50,000 रुपए का चेक इसने एक झटके में कैसे दे दिया, बात समझ में आ गई? ना ना मामा, मुझे तो कोई दूसरी गड़बड़ नजर आती है। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता, मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है, जिंदगी में पहली बार 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मेरी बात सुनिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या शॉक ट्रीटमेंट? आई डोंट नीड दिस, आई एम परफेक्टली नॉर्मल, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल डॉक्टर, दिस इज अ बिग मिस्टेक। छोड़ दीजिए मुझे, डेस्क के पकड़ना इसे, मशीन ऑन कर रहे। छोड़ दीजिए, यू कांट डू दिस टू मी, यू कांट डू दिस।
hands me. No! What's this? Injection? You don't understand. Let me explain. Doctor Saab, उस वक्त मैं अपने कार्य हाँ ठीक है आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा कीजिए कुछ दिन रहिए आराम कीजिए ट्रीटमेंट लीजिए नहीं ठीक लगा तो वापस भेज देंगे यहाँ जबरदस्ती आपको थोड़ी रोकेंगे हम लोग। वो लोग मुझे पूछे वगैरह ले जाओ। वाह क्या लपेटा है। मैं अभी आपको उससे नहीं मिला सकता। ऐसा कोई भी चेहरा जिसे वो पहचानती है देखते ही चीखती चिल्लाती है। ऐसे हालात में उनको नॉर्मल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो मुझे अपने फैक्ट्री में प्लीज डॉक्टर साहब मुझे इन पेपर्स पर सिर्फ उनके साइन चाहिए। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाइए आप यहां से अदालत में जाइए पुलिस के पास जाइए स्पेशल ऑर्डर्स लेके आइए तभी मैं आपको परमिशन दे सकता हूं। कमाल है आप किसी की परेशानी नहीं समझते। डॉक्टर साहब अगर इन पेपर्स पर साइन नहीं हुए तो देखिए डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है हमें पैसों की सख्त जरूरत है। प्लीज डॉक्टर साहब ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ऐसे नहीं मानेंगे। जनार्दन शंकर डॉक्टर साहब प्लीज मुझे एक बार मिलने दीजिए। ले जाओ इसे। हाथ मत लगाना। ठीक है डॉक्टर साहब मैं स्पेशल परमिशन लेकर आऊंगा। बाबूजी और लादू नहीं। अरे क्या हुआ वकील से मुलाकात हुई। बाबूजी इसमें तुम्हारे साथ अजीब खेल खेल रही है। क्यों बात क्या है। वर्षा जी को पागल खाने में डाल दिया गया है। ये कैसे हो सकता है अभी कल ही तो हमसे मिलके गई थी फिर एक ही दिन में। पता नहीं क्या बात है मुझे तो उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। ये भी इन्हीं तीनों की गंदी चाल हो सकती है। क्या बात है कमाल है वर्षा सहाय पागल खाने में और मिस्टर सहाय ऊपर। लेकिन यार आज मिस्टर सहाय की बहुत याद आ रही है। अगर वो होते तो देखते कि हमने कारोबार में कितनी तरक्की की है। तीन तीन शिफ्ट्स में काम चल रहा है धमाका मचा रखा है हमारे टॉनिक प्लस ने। कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं टॉनिक प्लस टॉनिक प्लस टॉनिक प्लस। बेचारा सहाय मरने से पहले उसे पता भी नहीं चला कि हम कब से टॉनिक के अंदर गर्द मिलाया करते थे। बेवकूफ ऐसे ही मारा गया सिर्फ। स्टूपिड फूल। और कमाल कमाल की बात तो ये है कि आजकल के बच्चे अपनी माओ के दूध की बजाय हमारा टॉनिक प्लस पीना ज्यादा पसंद करते हैं। अरे भाई वाह क्या 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 बेटा। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। आइए डॉक्टर भाटिया आप भी हमारी महफिल में शरीक हो जाइए। डॉक्टर भाटिया नहीं पार्टनर भाटिया। क्या मतलब। आज से मैं भी सहा इंडस्ट्रीज का पार्टनर बन गया हूं। अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं आप। मजाक तो आप तीनों मिलकर मेरे साथ कर रहे थे। मैं तो तभी समझ गया था जब आप मिस वर्षा का केस मेरे पास लेकर आए थे।
कितनी खूबसूरती से, कितनी सफाई से उसे फंसाने के लिए आप लोगों ने ये जाल बिछाया है। एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी और समझदार औरत का इलाज तो तभी होता है ना जब उसको कोई मर्ज हो, क्या समझे सूद साहब? समझ गया डॉक्टर भाटिया, आप उसे पागल बनाने की क्या कीमत लेंगे? 1 करोड़। क्या 1 करोड़? एक करोड़ पर हेड 1 करोड़ है? क्या? जी हाँ। आप तीनों के लिए मुझे उसे पागल करार देना है और यह इतना आसान नहीं, इसलिए आप तीनों की तरफ से 1-1 करोड़, वरना आपका यह राज जाहिर करने में मुझे कितना वक्त लगेगा? क्यों राणा साहब? डॉक्टर भाटिया, भाई हमें तुम्हारा यह सौदा मंजूर है तो मिलाइए हाथ तो कुछ ही दिनों में आप लोगों को यह खुशखबरी मिल जाएगी कि मैं स्वर्षा सचमुच पागल हो गई है। इससे बड़ी खबर और नहीं हो सकती। चलो लेट्स सेलिब्रेट। कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर, अब तो आप मुझे मिलने देंगे? हाँ क्यों नहीं, कानून का कागज नहीं, कानून का आदमी भी साथ लाए हो, अब तो मिलाना ही पड़ेगा। हाँ अब आप लोग मिल सकते हैं। बाबू ये सर, साहब को 20 नंबर से मिला दो। आइए सर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, वेलकम। चलिए ये रही। वर्षा जी, मैं राजा चंद्रप्रकाश जी का लड़का, आपने मुझे घर, देखिए वर्षा जी मैं इंस्पेक्टर साहब को भी साथ लाया हूं। वर्षा जी आप इन्हें बताइए कि आपकी ये हालत उन्हीं लोगों ने की है, कुछ कहिए ना वर्षा जी, कुछ बोलिए। Yeah!
बोलो बताओ कहना क्या चाहते हो तुम? सर, सहाय केस के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, जिनसे लगता है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उनको मारा गया। मिस्टर शर्मा, इस केस को लेकर आप मुझसे पहले भी बात कर चुके हैं, आप इसे खामखा लंबा कर रहे हैं, ये केस बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। सर शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन वर्षा सहाय को पागलखाने में डाल दिया गया है। पहले मिस्टर सहाय की मौत और फिर उसके बाद वर्षा के साथ ये सब। सर मुझे तो लगता है कि मिस्टर सहाय के बिजनेस पार्टनर्स नहीं ये सब। यू मीन राणा, सूद और सेठी? जी सर। सहाय केमिकल्स के बिजनेस पार्टनर्स? ऐसे लोगों से भिड़ेंगे आप? आप जानते हैं उनकी पहुंच कहां तक है? अपने करियर का सोचिए, करियर का। क्या आप बेवजह उलझ रहे हैं? इस केस में कोई दम नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये फाइल आप आईजी साहब तक पहुंचा दीजिए। लीजिए 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 ना, जाइए सब जाइए। आनंद बकपड़े जिंदाबाद, आनंद बकपड़े जिंदाबाद, आनंद बकपड़े जिंदाबाद। आदरणीय मित्रों, कृपया गलत नाम न लें, अपने देश के प्रिय नेता का सही नाम लें। मैं आनंद लपक पड़े नहीं हूं, मैं आनंद लग पड़े हूं। लगने और पढ़ने, इन दो शब्दों के मिश्रण से जो बनता है वो है आनंद लग पड़े। लग पड़े जिंदाबाद, लग पड़े जिंदाबाद। इतना विशाल जन समूह देखकर, इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे नेत्रों से गंगा जमुना की धाराएं फूट फूट कर बह निकली है और मुझे विश्वास हो गया है आप लोगों के मन में मेरे प्रति कितना सम्मान है, प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है। धन्यवाद। कैसे व्यक्त करूं मैं अपनी भावनाओं को? बड़ा विकट प्रश्न है। आप लोगों का मेरे प्रति प्रेम देखकर मेरी आंखों से गंगा जमुना की धाराएं फूट। कैसा लगा अपन का साउंड सिस्टम? कैसा लगा मासूम साउंड सिस्टम? साउंड वाले मासूम भाई दयाचंद, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हारे इस कच्चे माइक्रोफोन की आवश्यकता नहीं है। आप तो बॉस के बहुत नजदीक है ना मिस्टर वन, आप कहेंगी तो बहुत असर होगा मेरे बॉस पर। क्या बोलने हैं तेरे बॉस को? वही 3740। आई एम द सन ऑफ मूर्ति सागर, गोल्ड मेडलिस्ट। ईमानदारी मेरी रगों में दौड़ती है। तुम बोलोगी ना मिस्टर वन? जय माता दी, 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 जय माता दी। बाबा श्री श्री 108 को आसन पे रखो, आसन पे रखो। जय माता दी। कृष्णा ने माला जपी शाम की, सॉरी राधा की मैं तोड़ी, घूंघटिया चुप चुप प्यारी की धुन। जिन्हें बच्चों से प्यार है उन्हें टॉनिक प्लस से प्यार है। बच्चों की असली सेहत के लिए लीजिए टॉनिक प्लस। क्या धूम मचा रखी है हमारे इस प्रोडक्ट ने राणा साहब। सिर्फ यही नहीं सेठी,
इस बार चिल्ड्रंस डे में जो सेमिनार होने वाला है ना, उसमें हेल्थ मिनिस्टर जी खुद आएंगे और टॉनिक प्लस की तारीफ करेंगे और साथ में गोल्ड मेडल भी देंगे। वेरी गुड, वाह, यानी कि माल भी और मेडल भी। अरे वाह, क्या लपेटा है यार। क्या तुमने तारे सर्टिफिकेट्स फेंक दिए? क्या करूं मैं इन सर्टिफिकेट्स का, क्या करूं? अब इनका बोझ नहीं उठाया जाता मुझसे। 2 साल से ये सर्टिफिकेट्स लिए भटक रहा हूं, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग हैपेंस। हर जगह निराशा और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन राजा, मुझे पढ़ाने के लिए बाबूजी ने दिन रात मेहनत की इस उम्मीद से कि मैं उनका सहारा बनूंगा, मगर मैं आज भी बेकार घूम रहा हूं, बोझ हूं उन पर। मधु, अब बाबूजी का तकलीफ भरा चेहरा नहीं देखा जाता मुझसे, नहीं देखा जाता मुझसे। राजा, नौकरी से हटाए जाने के बाद पहले ही बहुत टूट चुके हैं वो, और ऊपर से मेरी बेकारी और बहन की शादी की चिंता। मधु, मैं उनकी आंखों में बेबसी के आंसू देखता रहता हूं, कुछ नहीं कर पाता। राजा, खुद को परेशान करने से क्या यह सब ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं राजा, प्लीज। कल रात सपने में एक लड़की आई थी, कल रात सपने में एक लड़की आई थी, तुम जैसे घबराती हो, तुम जैसे घबराती हो वैसे घबराई थी। सपने में एक लड़की आई थी, कल रात सपने में एक लड़का आया था। उसके सीने से रेशम का लाल दुपट्टा ढलका, प्यार का दर्द उठा मेरी धड़कन में हल्का हल्का। उसके सीने से रेशम का लाल दुपट्टा ढलका, प्यार का दर्द उठा मेरी धड़कन में हल्का हल्का। सपने में एक लड़की आई थी, कल रात सपने में एक लड़का आया था। कल रात सपने में
मेरे रब क्या खूब है, कितना हसी महबूब है, चाहत है अरमान है, दिलबर है मेरी जान है। दामन जो पकड़ा है छोड़ूंगी कभी भी संग ना। कल रात सपने में एक लड़की आई थी, तुम जैसे घबराती हो, तुम जैसे घबराती हो वैसे घबराई थी। कल रात सपने में एक लड़का आया था, तुम जैसे शर्माते हो, तुम जैसे शर्माते हो वैसे शर्माया था। तेरे को कैप्टन बना दिया ना, तेरी बटालियन क्या कर रही है, खड़ी कर दो लाइन में। लाइन में लगो, लाइन में, लाइन में। और कुछ खाएगी? चिबिन गम मिलेगा देना। ये लो। शर्मा बोल रहा हूँ, शर्मा फैक्ट्री से। हाँ बोलो शर्मा, क्या बात है? बहुत बड़ी गलती हो गई राणा साहब, हमारी टॉनिक प्लस की सारी बोतलों में अफीम और गर्द की ओवरडोज के कारण उसमें जहर फैल गया है। थाना और कल्याण में कई बच्चे मारे गए हैं, यहाँ तक कि मेरठ और कानपुर में भी 7 बच्चों के मारे जाने की खबर है। बच्चा मर गया मेरा, दवा से मेरा बच्चा मर गया। मुझे दे, तू मुझे दे, ये क्या है, ये दवा है या जहर? मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। अपने गति के बच्चे, तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी? सुनो, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं सुन साहब। अरे मौके की नजाकत को समझो, यहाँ लोग हमें लपेटने में लगे हुए हैं और तुम्हें फोन करने की सोच रही है? कान खोल कर सुन लो, 2-3 दिन तक बिल्कुल फोन नहीं करने का, समझे? देखिए आप, इन टॉनिक प्लस वालों को बंद कर देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसी दवा बेचने वालों को। कितने बच्चे मर गए देखिए आप, क्या हो रहा है, अस्पताल भर के भरे पड़े। और मार से बचना चाहते हो डॉक्टर हसमुख, तो सीधी तरह से बयान दे दो, सरकारी गवाह बन जाओ, सजा बहुत कम हो जाएगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि टॉनिक प्लस वालों के साथ मेरा कुछ लेने देना नहीं है, मुझे छोड़ दो।
पुलिस अच्छी तरह से जानती है डॉक्टर हसमुख पटेल कि टॉनिक प्लस का सारा कंसाइनमेंट तुम्हारे पास आता है और ये सच मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा। इसकी बहुत तरीके हैं मेरे पास, समझे? लपेटो लपेटो, अब ये नहीं लपेटो, अब वो इंस्पेक्टर का बच्चा हम सब पर भूखे शेर की तरह लपक पड़ेगा। हाँ, ये इंस्पेक्टर हमारे लिए खतरा बन गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। नहीं, उस खतरे को दूर करने का वक्त अभी नहीं आया। पुलिस से मुजरिम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, फिलहाल उस इंस्पेक्टर को भूल जाओ। सबसे पहले हमें वो सबूत मिटाना है जिसकी वजह से इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर तैश और जोश दिखाने का मतलब है अपनी नौकरी से हाथ धोना, समझे आप? सर, पटेल को इंटरोगेट करते वक्त मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ये रही पटेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि पटेल सिर्फ बेहोश था, बस। ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर। लेकिन सर, आई एम सॉरी शर्मा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑर्डर ऊपर से आया है। पाप का बोझ कंधे पे ढोना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। डॉक्टर हसमुख जैसे भले लोग भी हैं इस दुनिया में। लपेटो और थोड़ा लपेटो। अरे भाई लपेटो। लपेटो लपेटो। चलो अच्छा हुआ हमने पुलिस को परेशानी से बचा दिया, अगर हसमुख जिंदा होता तो पुलिस को काम करना पड़ता। मैं तो ये सोच रहा हूं यार कि जब डॉक्टर की आत्मा मिस्टर साहब से ऊपर जाकर मिलेगी और उसे बताएगी कि हमने उसका सारा कारोबार लपेट लिया है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? चीज We'll be right back.
मेरे कमरे में। ए चलो उठो उठो। कौन है कौन है? चलो किधर जाने का? पिकनिक पे जाने का है? हाँ हाँ पिकनिक पे जाने का है। उधर चीमी गम मिलेगा? हाँ मिलेगा। लाली बाप मिलेगा? सब मिलेगा सब मिलेगा सब। चलो 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 मेरे को क्या? चलो चलो चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट। और कौन कौन आ रहा है? सब लोग आ रहे हैं। संजय दत्त आ रहा है क्या? सलमान खान आ रहा है? आमिर खान आ रहा है ना? चिंकी वाला संजय दत्त आ रहा है ना? लेकिन हमको नीनू आ रहा है। कौन है कौन है? क्या हुआ रे? पिकनिक जाने का है ना? हाँ पिकनिक पे जाने का है ना। चलो हम तो पिकनिक जाता है, हम तो पिकनिक जाता है, हमको पिकनिक जाना है, हमको संजय दत्त मिलेगा सलमान खान से। किधर है किधर है किधर? ये तो कोई भी नहीं है। आओ आओ। तुमने कहा था संजय दत्त मिलेगा, सलमान खान मिलेगा, शाहरुख के अक्षय कुमार मिलेगा। कौन कौन? अक्षय कुमार। कौन? अक्षय कुमार खिलाड़ी नहीं मालूम? कौन? हाँ आएंगे आएंगे, गाड़ी भेजिए सब लोग आएंगे आएंगे आएंगे। आना मंगते है क्या? नहीं तो अपन का गुस्सा बहुत है। हाँ बहुत टेस्टी है। अरे जो नशा इसमें है वो शराब में कहाँ। ये खोल दो बॉटल। देखो ए नौ टंग पी के पाउशेर की धांधल करने का नहीं, समझे? आराम के साथ पियो। देखो स्विमिंग करना आता है क्या है? कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है तू। प्यारी प्यारी नहीं, वो सारी बातें करती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? गुदगुदी का खेल खेला मेरे को भी आता है। कपड़े कपड़े उतार रहा हूँ, गंदे हो गए कपड़े। अक्षय कुमार आएगा, संजय दत्त आएगा, कपड़े कपड़े ये गंदा खेल है। चलो अपन लोग छुपा छुपी खेलेंगे। हाँ चलो आ जाओ छुपा छुपी। आप लोगों के दुख में शामिल नहीं हो पाएंगे, कुछ और लोगों के साथ दुख बांटना है। प्राणों को
खोने से डरता है। अरे क्या रखा है इन प्राणों में, निकल जाने दे प्रेम से। देख वो चली आत्मा ऊपर। ये तो अभी से डाउन हो गया, डाउन हो गया। चलो चलो ले चलो। जय माता दी। पेट्रोल, पेट्रोल नहीं, नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। बर्बाद करके तू चैन की नींद सो रहा है, लेकिन अब मैं तुझसे तेरा सुख चैन छीन लूंगी राणा। कौन है तुम? मैं वर्षा, वर्षा सहाय। तैयार हो जाओ राणा, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं तेरी जिंदगी में तेजाब बनकर बरसने के लिए। और वो डॉक्टर भाटिया जिसने तेरे इशारों पर नाचकर मुझ पर इतने जुल्म ढाए, राख बना दिया मैंने उसे। मेरी आंखों के सामने आग में जल रहा है वो। लगता है तुम उस पागल खाने की चार दीवारी से बाहर निकलकर मरना चाहती हो। मरना तो अब तुझे है राणा, और तेरे साथी सेठी और सूद को। तैयार हो जाओ, तेरी मौत बनकर मैं आ रही हूं। डीसीपी रावत स्पीकिंग। मैं राणा बोल रहा हूँ रावत। राणा साहब कहिए क्या बात है? वर्षा पागल खाने से भाग गई है और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या तुम्हें पता है ना क्या करना है? जी जी जी, मैं समझ गया समझ गया, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो देखो, वो देखो। स्पोर्ट क्लब चलो। नीचे हो जाओ। उसके साथ पांच पागल और हैं। डॉक्टर भाटिया की हत्या भी उसने इन्हीं पागलों के साथ मिलकर की है। लो लो बेटो, अरे मुझे तो पहले ही डाउट था, वो पागल थी ही नहीं,
डोंग कर रही थी, डोंग। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उसने, डॉक्टर भाटिया के बच्चे को लपेटकर बहुत अच्छा किया। हम सबको फंसाने वाला वही है। मुझे तो उन पांच पागलों पर तरस आ रहा है। वर्षा के साथ कुंडली में उनकी मौत भी लिखी हुई थी, तभी तो वो पागलखाने से बाहर निकल आए। रुक जाइए, रुके रुके, रोको रोको, हवाला तो पीछे जाओ। माता दी जय, माता दी हो। माता रानी के दर्शन करने चलो जम्मू, चलो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। बोल दा जल्दी। छवा बच्चे तूने शादी नहीं की, बीवी बच्चे होते तो ये घड़ी काटनी मुश्किल हो जाती। शराब पी रहा है, लोगों का खून पीकर दिल नहीं भरा तेरा। चल अपनी ये शराब हलक के नीचे उतार। गुड, क्योंकि मैं इसकी सारी गोलियां तेरे भेजे में उतारने वाली हूं। हाँ। साहब जी, साहब जी, आखिर बात क्या है साहब जी? कहां मर गए थे के मख्तो? भाभी भी, अरे वक्त की नजाकत को समझो, तुम लोगों की लापरवाही से लपेट दिया जाऊंगा मैं। हाँ। और सुनो, आंख नहीं लगनी चाहिए, आंख नहीं लगनी चाहिए किसी की। जब पी लेते हुए किसी को देख लिए ना, तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। हाँ, जी साहब। हेलो। हाँ सेठी। बोले सूद साहब। अरे क्या बात है यार, इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? क्या हुआ? बस कुछ नहीं, थोड़ी सी पी रहा था। ऐसे ही मैं भी जाग रहा हूँ भाई। तुम्हारे साथ भी वही तो नहीं हो रहा जो 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 मेरे साथ हो रहा है? ये तो बताइए सूद साहब कि आपके साथ क्या हो रहा है?
यार मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी वो मेरे सामने खड़ी। सूद साहब आप भी एक नंबर के डरपोक हैं। अरे वो क्या हिम्मत करेगी हमारे सामने आने की, लपेट डालेंगे साली को क्यों। पागल हो गया। सॉरी राणा साहब। क्या सॉरी, शर्मा नहीं चाहिए आपको? अपने डिपार्टमेंट का ये निकम्मापन देख लिया आपने? मर्शा एक औरत और पूरी पुलिस फोर्स आपकी तरफ, और आपकी फोर्स उसे छू नहीं सकी। सरेआम सबके सामने एक शरीफ आदमी को मारकर चली गई और आप लोग देखते रहे। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की कोई कमजोरी नहीं है राणा साहब। दरअसल वर्षा बहुत होशियार औरत है, वो बड़ी चालाकी से हम सबको चकमा देकर निकल गई। आप देखिए, गौर से देखिए इस लाश को, ये मेरे दोस्त सेठी की लाश है। वर्षा ने इसे मारकर मेरा एक बाजू उखाड़ दिया है। कुछ समझ आ रहा है आपको? ऐसे निकम्मे लोकपाल रखे आपने अपने डिपार्टमेंट पे, जो एक औरत का मुकाबला नहीं कर सकते। लानत है आप सब पे। शर्म ऑन यू। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। कौन? ये यहां कैसे हो सकती? मुझे फिर से धोखा हो रहा है, मुझे फिर से धोखा हो रहा है। ये यहां कैसे हो सकती है?
बासूम साउंड वाला। यहां तो कोई भी नहीं है। चलो बोट क्लब। तेरी गाड़ी टॉप गियर में डालेंगे। तेरी गाड़ी हाईवे पे आ गई है, अब होगा तेरा एक्सीडेंट। देख माता का असली रूप, तेरा कल्याण करने आ गई है माता। तेरा टोटल मिल जाएगा, तेरी पर्ची वाउचरों की फाइल मिल गई है, तेरा खाता बंद। हेलो मासूम भाई, साउंड रिकॉर्डर्स रिपेयरिंग वाला। हेलो, अब होगा भ्रष्टाचार का अंत। मुझे मत मारो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। वो कभी ने राणा की वजह से सब कुछ हुआ। उसने मुझे जान से मार देने की धमकी दी थी। नहीं सूद, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ मौत है। देखो ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो मुझे। यही ठीक है डीएसपी रावत। राणा साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ वर्षा और उन पागलों को पकड़ने की। हाँ कोशिश कर रहे हो तुम जी। अब तुम यहाँ मेरे सामने बैठकर टेलीफोन करोगे, यही काम करोगे तुम। अपने अफसरों को फोन लगाओ ये वर्षा और पागलों को खत्म कर दे। हा? मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, अगर वर्षा नहीं मरी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राणा साहब जाओ फोन लगाओ। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो डीसीपी साहब, हाँ मैं इंस्पेक्टर मुरारी लाल बोल रहा हूँ। हाँ मुरारी, मैं रावत बोल रहा हूँ, क्या हुआ? इसका हम पीछा कर रहे थे, वो गाड़ी अंधेरी की तरफ गई है। देखो वो वर्षा और पागल मुझे किसी भी हालत में चाहिए, समझे? नहीं तो मैं तुम सबके सबको सस्पेंड कर दूंगा। हाँ मैं रावत बोल रहा हूँ। डीसीपी साहब सुनो, उनको देखते ही गोली मार दो। शूट देम। समझती थी सेठी और सूद की तरह तुम मुझे भी मार डालोगी?
बेवकूफ लड़की। नहीं मिस्टर राणा नहीं, गुनेगार कितना भी चालाक हो, सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर उसे एक न एक दिन घेर ही लेता है, और आज वो दिन आ गया है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। वर्षा ताई जिंदाबाद। वर्षा ताई जिंदाबाद। वर्षा ताई जिंदाबाद।
सपने में एक लड़की आई थी, कल रात सपने में एक लड़की आई थी, तुम जैसे घबराती हो, तुम जैसे घबराती हो वैसे घबराई थी। सपने में